What is up YouTuber, welcome back to KSF Academy, आपके अपने आम रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे, जिसका हमको बहुत टाइम से वेट था। बहुत सारे लोग बोर भी हो चुके थे वेट कर करके। वो मैच फाइनली आज रिवील हो ही गया, डिवॉन लैरेट वर्सेस कमिल जब्लॉन्स्की। हमको ऑलरेडी रिजल्ट्स पता थे, बट ये वीडियो में हम लोग प्रॉपर डिसाइड करेंगे, प्रॉपर बाइफरकेट करेंगे कि क्या हुआ था उस मैच में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैच में डिवॉन लैरेट हार गए हैं, और ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी अच्छे तरीके से हारे हैं। और उसके बाद में हम लोग मैट मास्क वर्सेस ब्रैड ग्रंडी के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो ये दो मैच का प्रॉपर डिटेल वर्जन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, डिवॉन लैरेट वर्सेस कमिल जब्लॉन्स्की का जो मैच हुआ था उसमें क्या हुआ। सो डिवॉन लैरेट, आप जानते ही हो कि किस तरह से वो सामने वाले का माइंड गेम एंड एवरीथिंग, वो जितना ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं उतना ज़्यादा माइंड गेम पे भी फोकस करते हैं। सो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, ऑब्वियस सी बात है, वो काफ़ी ज़्यादा एयर पुलिंग एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। और उसके बाद में जो सबसे पहला मैच हुआ उसमें कमिल जब्लॉन्स्की फ्लॉप रिस्ट से डिवॉन लैरेट को पिन कर दिया। दैट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर डिवॉन। एंड उसके बाद में डिवॉन काफ़ी ज़्यादा और अग्रेसिव हो गए थे, और ज़्यादा हाथ और पुलिंग वुलिंग खींच रहे थे, जिसकी वजह से उनको रेफरी ने वॉर्न भी किया था। उसके बाद में नेक्स्ट मैच वापस से सेम चीज़ें हुई थी। डिवॉन लैरेट को मैट मास्क कह भी रहे थे कि लो हैंड ग्रिप लो, मे बी ज़्यादा चांसेस हों कि आप उसमें जीत सकें। बट बिकॉज कमिल जब्लॉन्स्की का ये एक उनका एरिया है फ्लॉप रिस्ट में, वो सामने वाले को गिरा देते हैं कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। एंड मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी मैचेस हुए, जितने भी राउंड हुए, कमिल जब्लॉन्स्की ने सेम चीज ही की थी, फ्लॉप रिस्ट, एंड विद इन 1 to 2 सेकंड मैच खत्म। लाइक सामने वाले को, डिवॉन लैरेट का हमने देखा है कि वो सामने वाले को होल्ड करते हैं, किंग्स मूव में चले जाएंगे, वापस आएंगे, फिर गिराएंगे, होल्ड करेंगे, किंग्स मूव में आएंगे, कुछ भी, बट वो इतना जल्दी हार नहीं जाते। बट बिकॉज कमिल जब्लॉन्स्की वाज सो डोमिनेंट, वो किंग्स मूव तक आने का वेट ही नहीं कर रहे थे। बट बिकॉज ऑफ फाउल सेकेंड राउंड में डिवॉन लैरेट को 1 पॉइंट मिला था। और उसके बाद में जितने भी मैचेस हुए, जितने भी राउंड हुए, सब में कमिल ही जीते। सो कैन यू इमेजिन, डिवॉन लैरेट 1 पॉइंट जीते, वो भी फाउल से। थर्ड मैच हुआ, उसमें से कमिल जब्लॉन्स्की ने फ्लॉप रिस्ट से गिराया और जीत गए। सो मोस्टली जो मैचेस हो रहे थे उसमें वो एक मूव उनका, ये कमिल का ऐसा हाथ रहता था, डिवॉन का ऐसा हाथ, एंड डाउन। इस वे में दोनों के मैचेस हुए थे, एंड 5-1 से कमिल ये मैच जीत गए थे। उसके बाद में बात करते हैं मैट मास्क वर्सेस ब्रैड ग्रंडी के बारे में। मैट मास्क का अभी रिसेंटली ईस्ट वर्सेस वेस्ट में मैच हुआ था, जिसको हमने डायरेक्टली आपको बता दिया था। बट ये जो स्पेशल इवेंट हुआ था, सो उसमें स्टार्टिंग के 2 पॉइंट प्रॉपर टॉप रोल से ले लिए थे। ब्रैड ग्रंडी वॉज ट्राइंग टू डू द हुक, बट वो नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में मास्क के अंदर काफी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। बट द वेरी नेक्स्ट राउंड, थर्ड राउंड में ब्रैड ग्रंडी ने अच्छा खासा टॉप रोल ट्राई करके उनको हरा दिया। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस शॉकिंग मूवमेंट, आगे का जितना भी मैचेस हुआ उसमें मैट मास्क ने बिल्कुल भी ईज नहीं दिया, और सारे पॉइंट्स मैट मास्क अपनी तरफ लेकर गए। इवन लास्ट के जो 5th and 6th पॉइंट थे, उन्होंने उसमें हुक ट्राई किया था। सो ये दो मेन इवेंट्स जो आर्म वॉर में हुए थे 3 हफ्ते पहले, एंड अभी उसका रिजल्ट आया, वो मैंने आप तक बता दिया है। एंड आज का वीडियो हम इसी पे खत्म करते हैं। मेक श्योर आप KSF अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आपको आर्म रेसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। फिर मिलेंगे कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, कोई नए न्यूज़ के साथ में, या कोई ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।